हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूँ तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ पाकिस्तान चाइनीज़ ट्रेन ट्रायल ऑपरेशन स्टार्ट कराची टू कोटरी जर्नी, चाइनीज़ न्यू बोगी, चाइनीज़ बोगी जो है वो पाकिस्तानी ट्रेन में लगाई जा रही है, चाइना के साथ मिलकर कुछ बनाई होंगी, तो ग्रीन कलर की कुछ बोगियाँ लग रही हैं मुझे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट नया किया गया है ट्रेन रेलवे से जुड़ा हुआ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे पीछे आप देखें पूरी पालन वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, किस्म की गाड़ी है भाई, अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान रेलवे बड़ी खुशखबरियां देखने को नजर आ रही है 2023 पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह खुशखबरियां लेकर आएगा, मुस्बत चीजें हमें देखने को नजर आएगी। पूरा पाकिस्तान रेलवे कोशिश कर रहा है कि इस इदारे को उठा ना दिया जाए बल्कि इसको अच्छे तरीके से उठा दिया जाए और पाकिस्तान रेलवे की भी एक बड़ी काविश है इस पूरे काम के लिए। जो हम देख रहे हैं कि उनकी भी बड़ी मेहनत है, पूरी इंजीनियरिंग टीम इनकी, मैं देख रहा हूँ कराची पोर्ट पे लगे हुए हैं सारे के सारे। 46 बोगियाँ इस वक्त पूरे कराची पहुंची हैं जो कि बहरी जहाज के जरिए चाइना से मंगवाई गई हैं और 35 के करीब जो बोगियाँ हैं वो आ चुकी हैं। आज इसका ट्रायल होने वाला है, बाकी 11 कोचेस इस वक्त जो है वो कराची पोर्ट पर उतारी जा रही हैं और वो 11 कोचेस इंशाल्लाह शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगी। और ये अभी इसका जो ट्रायल होने जा रहा है ये यहाँ से कराची कैंट से गालबन को इधर हैदराबाद या कोठड़ी तक इसको लेकर जाएंगे। दूसरी खेप जो है वो ट्रेन की सूरत में हमारे सामने वॉशिंग लेन पर पहुंची है, वो ट्रेन भी फिर कराची से लाहौर के लिए ट्रायल होगा और 2023 जो होगा वो पाकिस्तान के मुसाफिरों के लिए, खासकर पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों के लिए बड़ी अच्छी और पुरसकून उनको सफर देखने को नजर आएगा। मैं इस वक्त पार्लर कार में उसके बाहर मौजूद हूँ, सामने जो है एसी स्टैंडर्ड भी लगी हुई है, इकोनॉमी क्लास भी लगी हुई है। मैं सबसे पहले आपको लेकर जाऊंगा एसी पार्लर में, जो बड़ी जदीद किस्म की कोच है, बड़ी अच्छी कोच है। तो आइए चलते हैं बगैर किसी टाइम जाए किए अंदर। जी इस वक्त मैं एसी पार्लर कार में मौजूद हूं, कोच है ये, बड़ी अच्छी कोच है, चाइना वालों ने बनाई है और सबसे मुनफरिद सबसे अच्छी कोच मुझे ये लगी है। और ये देखे ना ये वाइड वाइड जो लगाया है, ये अल्लाह करे कि महफूज रहे। बाकी वीआईपी है, जहाज जैसी सीटें और लगेज रखने के लिए बड़ा सा हमने इसका जो लगेज सिस्टम है देखने को नजर आ रहा है। बाकी अगर मिसाल के तो अगर खुदा ना खासा कोई अगर हादसा होता है तो इसके लिए हैमर भी दिया गया, वरना हैमर वैसे ही गायब हो जाते हैं। तो बहरहाल ये भी महफूज है, किसी को कोट रखना है अपना तो स्टैंड यहाँ पे जो है वो दिया गया है, कोट वगैरह रखना हो, शर्ट वगैरह रखना हो, कुछ होता है ना जी गर्मी ज्यादा होती है, कभी एसी नहीं चल रहा होता तो वो शर्ट पब्लिक खराब कर देती है यार, कितनी भी अच्छी कोई चीज बनाओ। पार्लर कार है और बड़ी अच्छी ये कोच है, चाइना ने जो बनाई है वो मुख्तलिफ कोचेस है। बहरहाल सारे यूट्यूबर भाई हमारे यहाँ मौजूद है और पाकिस्तान रेलवे की जो असासा है जो अभी चाइना से आया है उसको सही मायनों में एक्सप्लोर कर रहे हैं। पंखे वगैरह लगे हुए हैं, उनको पता है ना जी पाकिस्तान, उनको कि पाकिस्तान भेजना है तो अगर एसी ना चले तो पंखे तो चल जाए, तो पंखे भी उन्होंने दिए हुए। बहरहाल वीआईपी एलसीडियां लगी हुई हैं सामने, अगर आपने जो है वो बैठना है। सीटें की बात करूं तो सीटें यूं घूम भी सकती है, आप यूं करके घुमा सकते हैं और अपनी नजरें सामने कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पाकिस्तान की जो जगह है, पाकिस्तान की गाड़ी रेलवे की गाड़ी जब चलती है तो अच्छे अच्छे नजारे देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इधर बराबर में बैठे हुए होते हैं, यूं करके यूं देख रहे होते हैं। तो भाई आपको यूं करके देखने की जरूरत नहीं है, अगर बराबर वाला भी अगर सीट ही घुमा लो भाई, करने वाला है ये बहुत सही बना है, पूरी घुमा भी सकते हैं आप। यानी कि एक रेल फैन मौजूद है, इनसे बात करते हैं, कैसा लगा आपको? वैसे आप पाकिस्तान रेलवे की तमाम ट्रेनों में मेरे ख्याल है सफर कर चुकी होंगी, मगर ये जो चाइना से आई हुई जो बोगियां हैं इसमें आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है एसी पॉलर इन्होंने बनाया हुआ है चाइना से, बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और बहुत वीआईपी। क्या बात है जी, आउट क्लास है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखे ना मेरे सामने स्क्रीन है, अब अगर आपको पता है कि जी अगर एक स्क्रीन खराब हो जाए तो फिर दूसरी स्क्रीन वाला जो है वो उसको देख सकता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान रेलवे के जो लोग हैं वो भी इंशाल्लाह इसका ख्याल रखेंगे। और मुसाफिरों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है भाई, खुदा का वास्ता, ये बड़ी अच्छी ट्रेन है, बड़ी अच्छी बोगियां हैं, सिर्फ अंदर से ही ख्याल नहीं रखना, क्योंकि अंदर तो चलो लॉक कर देंगे गेट को, बाहर से पान की पीप नहीं फेंकना। बड़ी अच्छी इसका जो एक्सटर्नल लुक है, बड़ा अच्छा लुक है, अगर पान की पीप डालोगे तो बोलेंगे ओ जी पाकिस्तानी है ना जी, वो पाकिस्तानी वैसे ही बदनाम है दुनिया जहां में। देखिए बाहर मुल्क में आप चले जाएं सब जगह पे नॉर्मल है, ये एलसीडियां कुछ भी नहीं है, ये तो मैं कहता हूं कि सी कैटेगरी का माल यहां पे आया बाहर मुल्क के लिहाज से, वहां ए कैटेगरी का माल आप देखें आपको लग पता जाएगा कि जी कोई किसी जगह पे आप घूम रहे। तो मैं कहना चाहता हूं कि सी कैटेगरी के माल में भी आप ओ हो जैसे पता नहीं क्या चीज आ गई हो, तो इसका भी आपने ख्याल रखना। एलसीडियां गायब नहीं होनी चाहिए, पान की पीप ना फेंके, आप देखें ना कारपेट रखा गया नीचे, वरना अमूमन ये कारपेट नहीं होते, उनको पता है कि जी कारपेट रखने का कोई फायदा भी नहीं है, वैसे भी सारा गंदा कर देते। तो पाकिस्तान
पाकिस्तान रेलवे के जो अपने मुलाजिम हैं उनको भी कहता हूँ कि जी सफाई का ज़्यादा ख्याल रखे, मुसाफिरों से कहता हूँ सफाई का ख्याल रखे, बाकी ओवरऑल कोचेस बहुत अच्छी हैं, आउट क्लास है, बढ़िया है। लेकिन कुछ रहने और लोग भी मौजूद है, रेल फैन है, इनका भी इनको भी बड़ा मजा आता है जी पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनों में सफर करने में। गौरी भाई मौजूद है, इनकी वाइफ मौजूद है, कैसा लगा आपको पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनों में आप सफर करती हैं, ये जो कोचेस आपने देखी है किस तरह की है? ये माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी लगी है हमें अंदर से, बहुत जबरदस्त, और जो फैसिलिटीज दी हुई है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग अभी बैठ के और सीटों को घुमा फिरा के सब कुछ करके आए हुए हैं, मज़ा आया अभी बहुत। और मुझे सिर्फ ये है कि आवाम जो है इसका बहुत ख्याल करे, वाकई मैं अंदर बैठा हूँ, सीटें भी पूरी घूम रही हैं, कि अगर आप उधर जा देखना चाहते हैं, आप शीशे में देखना चाहते हैं तो आपको एक अलग मज़ा आएगा, ये एक बहुत ज़बरदस्त है। और फिर LCD भी देखी हम लोगों ने, वो चल भी रही है माशाल्लाह से, ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि चल रही है, चल भी रही है, और देख के बड़ा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और मेरी को है कि इंशाल्लाह ताला इसमें ज़रूर सफ़र करेंगे हम लोग, देखेंगे, और इनके जो स्टाफ है माशाल्लाह से वो भी अच्छे ही हो गया जी। अदनान गौरी व्लॉग्स के नाम से इनका अपना भी चैनल है, आप जाएं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। मैं आपको AC स्टैंडर्ड दिखाता हूँ, किस तरह की AC स्टैंडर्ड है, VIP है, देखें एक लुक आता है, अंदर आने में भी बड़ा मज़ा आता है, वरना तो मज़ा ही नहीं आता। चलो बहरहाल ये AC स्टैंडर्ड की गाड़ी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, VIP है, हैमर वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीज़ें स्क्रीन ऊपर है, बाकी कोचेस की जो साइज़ है उसमें भी हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ देखने को नज़र आ रहा है, बाकी पंखे वंखे भी लगे हुए हैं, AC के साथ साथ पंखे भी चलते हैं। ये पोर्ट आप देखें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बंदों के लिए 6 पोर्ट हैं, बाकी अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए हैमर भी दिया हुआ है, बाकी बर्थ भी है ऊपर। नीचे की सीटें जो आप देखें इसमें भी हमें जो वो देखने को नजर आया, आप देखना उठा के आप इसको जो है वो ऊपर भी कर सकते हैं, तो ये पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपने का सामने वालों के लिए बैठने में भी जो उसको मजा आएगा, बाकी पोर्ट भी आमने सामने, बाकी VIP है जनाब, इसकी जो सीटें वो भी अच्छी हैं, बैठने में कंफर्टेबल है, और जब आप अंदर आते हैं तो एक अलग लुक आपको आता है। तो AC स्टैंडर्ड आपने देख लिया है, अब ये ट्रेन चलने वाली है, तो चलिए हम भी बाहर निकलते हैं। चल बड़ी भाई, चाइनीज बोगियों वाली, ये सामने से चाइनीज बोगियां आना शुरू हो चुकी है, और ये पाकिस्तानी बोगी है भाई, ये नहीं वो आगे वाली, आगे वाली जो है वो चाइनीज पाकिस्तान की है, आना शुरू हो चुकी है। इसमें मिक्स है, AC स्टैंडर्ड है, इकोनॉमी क्लास है, AC पार्लर है, ट्रेन क्यों नहीं बनाई, और बहुत कुछ है। तो जनाब ये कराची कैंट स्टेशन से रवाना हो चुकी है, और बिल आखिर कोठड़ी पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा, मुख्तलिफ ट्रैक का जाकर इसका जायजा लिया जाएगा। ये जो बोगियां हैं 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलाई जा सकती हैं। अब ये जो ट्रैक होंगे वो देखे जाएंगे कि कौन कौन से ट्रैक पे, कौन कौन से सेक्शन पे इसको कितनी स्पीड में चलाना चाहिए। आज से इसके ट्रायल का आगाज हो चुका है, और इंशाल्लाह मुसाफिर इन बोगियों में जो है वो सफर कर सकेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लुक है, एक्सटर्नल लुक इसका बहुत अच्छा है। जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से होते हुए ये कोचेस जाएंगी तो अलग ही लुक देगी। इस वक्त जो है वो ट्रेन कराची से कोठरी के लिए जो है वो रवाना हो गई। अब आखिरी में मैं मैसेज देना चाहता हूँ, देखें उन लोगों को जो मुसाफिर हैं वो भी सफ़र करें, अच्छा सफ़र होगा। मैंने लेकिन बहुत सारे ऐसे देखे LCDयां चोरी हो जाती हैं, इसके अलावा LCDयां गायब हो जाएंगी, या फिर कोई सीट फाड़ देगा, या कोई बाथरूम से जो है वो फैंसी नल निकाल लेगा, लोटे निकाल लेगा, कोई पान की पीप फेंक देगा, कोई गुटखा फेंक देगा, तो इन तमाम चीज़ों से आपने ख्याल रखना है। मुझे हैरत होती है, मुझे एक रेलवे के मुलाजिम ने कहा कि आप कचरे की बात करते हो, यहाँ तो औरतें पैंपर तक फेंक के चली जाती हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितना बुरा हाल करती हैं। तो इस असासे को महफूज बनाना, साफ सुथरा रखना हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, तो अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह एक और ट्रायल होगा जो कि कल होगा, कराची से लाहौर तक ट्रेन सफर करेगी, और इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। अल्लाह हाफिज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब नई चीज़ है, नई चीज़ें अगर ये लॉन्च हुई हैं, LCD है, कारपेट पड़ा हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे बढ़िया लगा मुझे वो बाहर का व्यू देखने के लिए, अपनी सीट को घुमा कर देख सकते हो, तो फैसिलिटीज़ एक नंबर हैं। चाइना से उठाई गई हैं, चाइना में मैन्युफैक्चर हुई होंगी आई थिंक, या फिर पाकिस्तान में ही हुई होंगी। चाइना का माल अक्सर बोला जाता है, लेकिन नहीं, ये देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं, टिकाऊ भी लग रही हैं, लेकिन पब्लिक के ऊपर है। गुटके की पीक मारना, पान की पीक मारना, गंदा करना, LCD को खोलकर चुरा लेना, हथौड़े को शैतानियाँ करते करते उठाकर फेंक देना,
तो वो सारी चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, इंडिया में भी देखने को मिलती हैं यार। ज़बरदस्त डेवलपमेंट है ये, अब लॉन्च हो भी चुकी होगी आई थिंक, अब तक एक महीने पहले ये सारा कुछ इसका सिस्टम ट्रायल स्टार्ट हुआ था। तो ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त ख्याल रखने वाली चीज़ है अगर रखा जाए तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पब्लिक ये रखेगी ज़्यादा टाइम तक। तो क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।